अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? ओके ग्रेट। हाउ टू यूज एटीट्यूड्स, मेकिंग यूज ऑफ एटीट्यूड्स, जॉब सेटिस्फेक्शन और उसके बाद है जॉब स्ट्रेस। उम्मीद है होपफुली हम इस चैप्टर को परसों तक कंप्लीट करेंगे ऑन फ्राइडे। 11th चैप्टर के सेकंड हाफ का जो टेस्ट है वो भी फ्राइडे को होगा आपका। जो हमने आईटी के सिस्टम्स डिस्कस किए थे जो कि 10 हैं टोटल, वो 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर आपका इंशाल्लाह फ्राइडे को टेस्ट स्केड्यूल्ड। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे एंड फ्राइडे को भी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सैटरडे को हम इस चैप्टर के मॉक पेपर क्वेश्चंस को रिव्यू करके हम छुट्टी होगी तो प्रॉबेबलीकेंड मोटिवेशन का चैप्टर तकरीबन कोई 8-9 लेक्चर्स लेगा। तो थर्ड को कम्प्लीट करते हैं ट्यूशन को, फिर हम आएंगे लीडरशिप में। लीडरशिप विल टेक मैक्सिमम अ वीक, 11th तक हम कंप्लीट करेंगे लीडरशिप, 11th ऑफ जनवरी। फिर है टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट विल टेक लाइक 5 डेज मैक्सिमम, 18 तक। और उसके बाद फिर 19 से हम लोग 10 चैप्टर करेंगे। मेरा टारगेट है कि हम इंशाल्लाह अपना जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, वो हम कंप्लीट कर लें मैक्सिमम बाय 25 तक जाएंगे। अगर हम 25 जनवरी तक अपना सब्जेक्ट मैटर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास तकरीबन 5-6 दिन बचेंगे जिसमें हम रिव्यूज अप्लाई कर सकते हैं। तो रिव्यूज विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छे इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का रिकवर मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके आखिर चैप्टर तक आपको एक कम्प्लीट फॉलो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। तो वी कैन हैव लाइक 5-6 क्लासेस ऑन अ रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन से ये हो जाएगा कि आपको इम्पोर्टेंट एरिया दोबारा पता लगेंगे। रिवीजन से एक फायदा ये भी होता है कि आपको कि काफ़ी दिन हो चुके होते हैं उन टॉपिक्स को आपको दोबारा नहीं खोला होता, लेकिन इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी इंडिविजुअल लेवल रिवीजन्स तो आप अभी से शुरू कर देना, तो कल हमने थियरी ऑफ रीसेंट एक्शंस तक डिस्कस किया था। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज एटीट्यूड्स, मेकिंग यूज ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स ब्रॉडली स्पीकिंग आपको दो वेज में हेल्प करते हैं। वी यूज आवर एटीट्यूड्स फॉर टू मेन पर्पसेस। एटीट्यूड्स के दो मेन यूजेस हैं, एक आपकी इनर नीड को सेटिस्फाई करता है और एक आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नीड को सेटिस्फाई करता है। तो वी यूज एटीट्यूड फॉर टू रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज फॉर योर इनर नीड एंड द सेकंड रीजन इज फॉर योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नीड्स। यहाँ पे हमारी इनर नीड्स होती हैं और यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल। इनर नीड्स के आगे अंदर फर्दर दो किस्म की नीड्स हम सेटिस्फाई करते हैं एटीट्यूड से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर नीड्स। एंड देयर आर टू यूजेस ऑफ एटीट्यूड्स टू सेटिस्फाई योर एक्सटर्नल नीड्स। इनर नीड्स से हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। हमारा जो एक्सप्रेशन है ये इनर नीड्स से होता है और वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एस्टीम। हम अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये टू जो
यूजेस हैं एटीट्यूड्स के, ये इनर नीड्स के साथ डील करते हैं. एंड देर आर टू यूजेस दैट आर एक्सटर्नल नीड ड्रिवन. इसमें जो पहला यूज है हमारा वो है सोशल एक्सेप्टेंस, और दूसरा है इसमें प्रिडिक्शन. बेसिकली इसके अंदर दो हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई, मतलब चार नीड सेटिस्फाई हो गई है. एटीट्यूड्स आपकी इनर नीड्स को और आपकी एक्सटर्नल नीड्स को मीट करते हैं. एकोइंग हो रही है? ओके, लेट मी जस्ट सी, इज माय वॉइस नॉट क्लियर? ओके, वेट अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा, मैं भी चेक करता हूँ. जस्ट हाँ जी, अब बेहतर, कुछ बेहतर है? इज माई वॉइस कमिंग क्लियर नाउ? ओके ग्रेट, चलो थैंक यू. तो आई वॉज टॉकिंग के दो किस्म की नीड्स हमारी सर्व होती हैं हमारे एटीट्यूड से. एक हमारी इनर नीड्स होती हैं और एक हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नीड्स होती हैं. इनर नीड में हमारा एक्सप्रेशन होता है, एटीट्यूड आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. हम एटीट्यूड के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. एटीट्यूड जो है ये आपकी पहचान बनते हैं. एटीट्यूड बिकम्स योर आइडेंटिटी. एटीट्यूड जो है ये आपकी पहचान बनते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी बनती है. और अक्सर हम कहते हैं यार वो बंदा बड़ा खरा है, ही इज अ वेरी ट्रस्टवर्थी गाय, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है. अब वो उसकी पहचान बन चुकी होती है, उसने पहचान अपनी कैसे क्रिएट की है आप पे, वो उसने अपनी पहचान क्रिएट की है बाय हिज और हर एटीट्यूड. अच्छा, अक्सर लोगों के मुतालिक फिर हम ये राय देते हैं कि यार उस बंदे की तो समझ ही नहीं आती, कभी सच बोलता है कभी झूठ बोलता है, उसका एतबार नहीं करना चाहिए. इट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू योर एटीट्यूड. एटीट्यूड जो होते हैं इसके दो इनर नीड्स के रीजन होते हैं. इसके दो जो मेन मकासद हैं वो आपकी इनर नीड्स को सर्व करते हैं, आपकी आपकी एक्सप्रेशन को सर्व करते हैं. एटीट्यूड हेल्प यू टू कम्युनिकेट हु यू आर, ऑल्सो ब्रिंग कॉन्फिडेंस अबाउट हाउ यू एसर्ट योर आइडेंटिटी ऑन अदर्स और ऑन अ सिचुएशन. सो एटीट्यूड बिकम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनते हैं आपके एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट कर सकें, स्पेशली जैसे जब अगर आप किसी फेलियर की सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं तो एटीट्यूड्स को यूज करते हुए आप अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे. यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम थ्रू योर एटीट्यूड्स. जैसे आपके बुक में एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर ने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उसने विन नहीं किया. मैनेजर ट्राई टू bid for a contract but couldn't win the contract. तो वो अपनी guilty को minimize करने के लिए he will try to protect his self-esteem by believing that they aren't bothered about losing the bid but they were more interested in gaining the experience of going through the process. के bid जीतना मकसद नहीं था, process से गुजरना मकसद था. तो you are trying to protect your सेल्फ एस्टीम बाय अवॉइडिंग गिल्टी. गिल्टी को आप अवॉइड कर रहे हैं ना, आप गिल्ट कॉन्शियसनेस को आप अवॉइड कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम. इसी तरह दो एक्सटर्नल नीड्स को सर्व करते हैं हम, सोशल एक्सेप्टेंस. आपके जो एटीट्यूड्स होते हैं ये आपकी सोशल एक्सेप्टेंस को डिफाइन करते हैं. नॉर्मली इंसान जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स को प्रोजेक्ट करता है, शो करता है, और सोशली अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स जो होते हैं उनको सप्रेस करता है, उसको थोड़ा सा दबा देता है. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल जो एटीट्यूड्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं और सोशली अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं. एक बड़ी अच्छी मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल जो है वो नॉन स्मोकर है, ही इज नॉट अ स्मोकर,
एन इंडिविजुअल इज नॉट अ स्मोकर, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो सारे स्मोकर्स हैं. अब वो जब अपने स्मोकर दोस्तों में होगा तो उस वक्त सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड क्या है कि स्मोकिंग अच्छी चीज है. तो ही विल ट्राई टू प्रोजेक्ट सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड, ही विल ट्राई टू स्मोक, वो स्मोकिंग करेगा, ठीक है, इवन दो ही इज अ नॉन स्मोकर. अच्छा, वाइस वर्सा भी है, एक बंदा जो है वो स्मोकर है लेकिन बाकी सारे दोस्त उसके नॉन स्मोकर हैं. तो जब एक स्मोकर एक नॉन स्मोकिंग ग्रुप में जाएगा तो ही विल ट्राई नॉट टू स्मोक, वो स्मोकिंग नहीं करेगा, ठीक है, वो वहां पे सोशली एक्सेप्टेबल जो एटीट्यूड है वो नॉन स्मोकिंग है उसको प्रोजेक्ट करेगा और बाकियों को जो है वो वहां पे मिनिमाइज करेगा, ठीक है ना. तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो डिटरमिन करती हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड कौन कौन से हैं और सोशली अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स कौन कौन से हैं. व्हाट आर द सोशली एक्सेप्टेबल एंड व्हाट आर द सोशली अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स, ठीक है ना. एंड एटीट्यूड्स आल्सो अलाउ यू टू प्रिडिक्ट योर ओन बिहेवियर एंड अदर्स बिहेवियर. क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर जो है एटीट्यूड का प्रोडक्ट है ना. तो एटीट्यूड से आप अपने बिहेवियर्स को और दूसरों के बिहेवियर्स को फोरकास्ट कर सकते हैं. एटीट्यूड से आप, फॉर एग्जांपल, इंसान की ख्वाहिश है और कोशिश होती है कि वो कंसिस्टेंट रहे और वो स्टेबिलिटी को एम्ब्रेस करे. अ पर्सन वांट्स टू बी कंसिस्टेंट इन हिज बिहेवियर. तो नोइंग योर ओन एटीट्यूड्स, हैविंग अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट योर एटीट्यूड्स आर, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, इट अलाउ यू टू प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन. That can give you a sense of control and that can help you organize and structure your life. ये जो पहला जुमला है इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपको मिलती है अपने एग्जाम्स के दिनों में. आपका पढ़ाई की तरफ क्या एटीट्यूड है ये डिटर्मिन करेगा कि आपके ग्रेड्स क्या आएंगे. आपके पढ़ाई की तरफ एटीट्यूड जो है ये डिफाइन करेगा कि आप कितना कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे, हाउ मच कंट्रोल यू कैन एस्टैब्लिश ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन. आप कितना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये सेंस ऑफ कंट्रोल जो आप एस्टैब्लिश करेंगे, इट कैन टेल यू दैट टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन ऑर्गेनाइज और यू कैन स्ट्रक्चर योर सेल्फ, ठीक है ना. और यही चीज किसी और को जस्टिफाई करने में या किसी और को सेंस करने में भी यूज होती है. यही चीज जो है, द सेम कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी यूज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, आप घर दाखिल हुए और आपने देखा कि वालिद साहब जो हैं उनका मूड बड़ा खराब है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा लैपटॉप का चार्जर लगा लूं. जस्ट अ मोमेंट, देख लीजिए. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो एटीट्यूड जो होते हैं ये आपको दूसरों के बिहेवियर्स को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं. यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट अदर्स बिहेवियर. जैसे एग्जाम्पल दे रहा था कि यू हैव जस्ट एंटर्ड योर होम एंड यू जस्ट सॉ के जी वालिद साहब के चेहरे के तासुरात आज बड़े खतरनाक लग रहे हैं, तो यू विल ट्राई टू अवॉइड एंड यू विल ट्राई टू सिंपली गो टू योर होम डायरेक्टली. या आपके मोबाइल पे आपके फादर का फोन आया और उनकी वॉइस टोन से पता लग गया कि आज खैर नहीं है आपकी, तो आप घर जाते हुए फिर मस्जिद से इशा की नमाज पढ़ के सर पे टोपी पहन के आप घर जाएंगे ताकि आपको देख के वाले साहब कहें कि मेरा नेक शरीफ बेटा आ गया है. तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दैट अलाउ यू दैट द नॉलेज ऑफ अदर्स एटीट्यूड हेल्प यू टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर. लेकिन इसके लिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए, जो हमने कल बात की थी. जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है
वो लोग बड़ी जल्दी इमोशनल क्यूज को समझ जाते हैं. इमोशनल क्यू कहते हैं एक इमोशनल ड्राइव को, एक मैसेज जो आप तक आता है, इसे क्यू कहते हैं, CUEQ. एक क्यू होती है लाइन, कितार, QUEUEQ, जैसे कितार कहते हैं. एक क्यू जो है ये ड्राइव को कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब टीवी पे कोई ऐड चलता है तो वो आपकी इमोशनल क्यूज को हिट कर रहा होता है, वो इमोशनल क्यूज दे रहा होता है आपको, आपको मैसेजेस दे रहा होता है जो आपके इमोशंस को एंगेज करते हैं. ठीक है ना? तो बेसिकली चार यूजेस हैं आपके एटीट्यूड्स के. दो यूजेस जो हैं दे आर कनेक्टेड विद योर इनर नीड्स, और दो यूजेस जो हैं दे आर कनेक्टेड विद योर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल नीड्स. दो यूजेस आपकी इनर नीड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, दो यूजेस आपकी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल नीड्स के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है? एग्जामिनेशन में ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में. इनफैक्ट हेडिंग 2.3 और 2.4, ये दोनों हेडिंग अभी तक पेपर में अनटेस्टेड हैं. क्रॉस कल्चरल वेरिएशन पर भी सवाल नहीं आया, और अभी तक एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया. तो इसके ऊपर पेपर में बड़े क्लियरली क्वेश्चन आ सकता है. बी वेरी क्लियर एंड वेरी केयरफुल कि आप इसके ऊपर देखें. मैं हर चैप्टर में साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कभी पेपर में चेक टेस्ट हुआ, कभी नहीं हुआ. बहुत सारे हमने टॉपिक्स देखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक चैप्टर नंबर 6 पे हम आ गए हैं. बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं जो पेपर में कभी टेस्ट नहीं हुए. जैसे पहले चैप्टर में टेलर की थ्योरी कभी नहीं आई, अरविक की थ्योरी कभी नहीं आई, एल्टन मायो की थ्योरी कभी नहीं आई. इसी पेपर के अंदर जो आपको एग्जाम पेपर आएगा ना, उसके अंदर कम से कम 35-40% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम अनटेस्टेड पोर्शन ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये भी अच्छी तैयारी करने की एक टिप है, इसे भी आप पल्ले से बांध सकते हैं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि जब आप चैप्टर्स को तैयार कर रहे हों तो जो टॉपिक्स कभी टेस्ट नहीं हुए पास्ट पेपर्स में, उन टॉपिक्स को आपने स्पेशल अटेंशन देनी है. क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर का कम से कम 35-40% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है ना? दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल कॉन्स्टिट्यूट. बल्कि आप इसको अप्लाई भी करके देख सकते हैं. आप लेट्स से अभी सितंबर का पेपर पकड़ लें आप, और उसमें आप देखें सितंबर के पेपर में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऐसे टॉपिक्स में से आए हैं जो आपसे पहले कभी टॉपिक टेस्ट नहीं हुआ. तो यू वुड रियलाइज कि 35-40% पेपर उन टॉपिक्स में से है जो कभी पहले टेस्ट नहीं हुए थे. ठीक है? जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन का टॉपिक है, अभी रिसेंटली आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन पे क्वेश्चन आया था जो कि पहले कभी नहीं आया. सितंबर में आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन पे सवाल आया था, अब ये सवाल आपसे पहले कभी नहीं आया. ठीक. जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, इसके आउटकम्स क्या होते हैं, और इसके तरीके क्या होते हैं, हाउ डू वी एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन, व्हाट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड हाउ डू वी एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन, हम कैसे इसको एनहांस कर सकते हैं. ठीक है? तो जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है, अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले परसेप्शन है, परसेप्शन से एटीट्यूड निकलते हैं, और एटीट्यूड से आपके बिहेवियर्स निकलते हैं. आई हैव टोल्ड यू, यू सी लाइक दिस, परसेप्शन से एटीट्यूड, एटीट्यूड से बिहेवियर, और बिहेवियर्स जो हैं ये दो किस्म के होते हैं. बिहेवियर्स आपके दो किस्म के होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब स्ट्रेस. दीज आर वर्क प्लेस बिहेवियर्स, इन्हें कहते हैं वर्क प्लेस बिहेवियर्स. वर्क प्लेस बिहेवियर जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब स्ट्रेस. जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, व्हाट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, लेट्स डिफाइन इट. दिस इज द एटीट्यूड एंड फीलिंग्स एन इंडिविजुअल हैज इन रिलेशन टू देयर जॉब्स. अपनी जॉब के मुतालिक आपकी एटीट्यूड और आपकी फीलिंग्स क्या हैं, दीज आर द बेसिकली योर फेवरेबल और योर अनफेवरेबल एटीट्यूड्स. अगर अनफेवरेबल होंगे तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी, अगर फेवरेबल होंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी. वेरी सिंपल. If your attitudes towards your job are highly positive and favorable, so it means that you are satisfied with your job. And if your attitudes towards your job are highly unfavorable or negative, it means that you are dissatisfied with your job. Job satisfaction दो किस्म की होती है, affective and cognitive. Job satisfaction जो है ये दो किस्म की होती है. अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन फीलिंग्स के साथ होती है, वो प्लेयरेबल फीलिंग्स. एक काम करने का कितना मजा आता है आपको, हाउ मच डू यू एंजॉय योर वर्क, ये आपकी अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन है. मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी जॉब क्या है, पढ़ना.
लेट्स से, तो जो सब्जेक्ट पढ़ने का मजा आता है, जिसे आप एंजॉय करते हैं, वो आपकी अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन. एक होती है कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो कितनी सेटिस्फेक्शन देते हैं, सैलरी, वर्किंग आवर्स, पेंशन अरेंजमेंट्स, कंपनी मेंटेन्ड कार, कंपनी मेंटेन्ड हेलीकॉप्टर, ये कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फेक्शन है. एक वर्क प्लेस के ऊपर एम्प्लॉयज को दोनों किस्म की जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है. आप एक एम्प्लॉय को रोज बुला के शाबाश दिए जाए, सैलरी ना दें, तो अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगी, कॉग्निटिव नहीं होगी, काम ही नहीं करेगा. आप एक एम्प्लॉय को 1 मिलियन की सैलरी दें, 10 लाख रुपया सैलरी दें पर मंथ, लेकिन रोज आप उसे अब्यूज करें, तंग करें, तो अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कॉग्निटिव होगी, तब भी काम नहीं करेगा. तो एक वर्क प्लेस के ऊपर दोनों किस्म की जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, आपका बॉस कितना सख्त है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं, आप किस हद तक अपने काम को परफॉर्म करने में कामयाब हो रहे हैं, इससे भी सेटिस्फेक्शन आती है. आप अभी लास्ट मंथ जब आपका रिजल्ट आया था, तो जो SMS रिसीव हुआ था आपको, उसके ऊपर तीनों सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए थे और आगे लिखा हुआ था पास क्रेडिट या पास. वो मैसेज पढ़ के जो एक इनर फीलिंग पैदा हुई थी ना, इनर सेटिस्फेक्शन, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो जो एक काम को अचीव करने के बाद जो आपको सुकून हासिल होता है, जो आपको इत्मीनान हासिल होता है, ये भी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है. दैट इज ऑल्सो योर जॉब सेटिस्फेक्शन. बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन, ये दोनों बड़े लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि जितना आप जॉब पे सेटिस्फाइड होंगे उतना आप मोटिवेटेड होंगे. द हैप्पियर यू आर एट द जॉब, द मोटिवेटेड यू विल बी. तो जितनी आप एक जॉब के ऊपर सेटिस्फेक्शन शो करेंगे, उतनी ज्यादा मोटिवेशन होगी आपके अंदर. तो हम ये मोटिवेशन में जाके हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी. वी विल टॉक अबाउट हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. हर्सबर्ग कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन लाने के लिए दो फैक्टर्स यूज होते हैं. एक को नाम देते हैं हाइजीन फैक्टर्स और एक को नाम देते हैं मोटिवेटर फैक्टर्स. हाइजीन फैक्टर्स जो है वो डिससेटिस्फेक्शन को मिनिमाइज करते हैं, मोटिवेटर फैक्टर्स जो है वो सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करते हैं. जैसे हम इस थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, अभी सिर्फ इस थ्योरी को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रिलेट किया जा रहा है. वी विल रीविजिट दिस थ्योरी वंस अगेन इंशाल्लाह इन द 7th चैप्टर. हाइजीन फैक्टर्स आपकी डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं अगर प्रॉपर हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको सफिशियंट सैलरी दी जाए, अगर आपको सफिशियंट सैलरी दी जा रही है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, हाँ ये आपको डिससेटिस्फाई होने से रोकेगा. अगर कंपनी की पॉलिसी कंसिस्टेंट है और फेयर है तो इट इज अ हाइजीन फैक्टर, क्योंकि ये डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा. अगर सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस फेयर हैं और कंसिस्टेंट हैं, वर्किंग कंडीशन, तो ये सारे हाइजीन फैक्टर्स हैं. ये सारे के सारे आपकी जॉब की डिससेटिस्फेक्शन को एलिमिनेट करते हैं. दे हेल्प यू टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड. इसी तरह कुछ फैक्टर्स जो है वो सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं. देर आर सेपरेट मोटिवेटिंग फैक्टर्स. ये हम मैंने अभी बड़ी जल्दी से थ्योरी आपको बताई है. इस थ्योरी को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा 7th चैप्टर में. लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो चूंकि वर्क प्लेस के ऊपर पाए जाने वाले वेरियस फैक्टर्स से पैदा होती है, योर सैलरी, योर वर्किंग कंडीशन, योर सुपरवाइजर, योर वर्क एनवायरमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन में. तो हम इन फैक्टर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. We bifurcate these factors under two broad categories. Like पहली category को हम नाम दे देते हैं hygiene factors का, दूसरी category को हम नाम दे देते हैं motivator factors का. पहली जो category होती है उसमें hygiene factors आ जाते हैं. Hygiene factors जो हैं ये आपकी job dissatisfaction को prevent करने में help करते हैं. They help you prevent from being dissatisfied. अगर आप किसी employee को salary time पे दे रहे हैं या अगर आप उससे सैलरी पूरी दे रहे हैं तो ये सेटिस्फायर नहीं है, ये डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है. अगर आपकी कंपनी पॉलिसीज जो हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये इंशाल्लाह 7th चैप्टर में जाके बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा. तो बेसिकली वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट जॉब सेटिस्फेक्शन बाई वर्किंग विद टू कॉम्पोनेंट्स, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स. हाइजीन फैक्टर्स अलाउ यू टू प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फेक्शन. मोटिवेटर फैक्टर्स अलाउ यू टू गेट सेटिस्फाइड. मोटिवेटर फैक्टर्स आपको सेटिस्फाई करते हैं.
ये क्वेश्चन था पेपर में, क्वेश्चन ये था जी कि आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन बताएं इन रिलेशन टू कस्टमर्स एम्प्लॉइज एंड आई गेस, एक सेकंड ये क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, दिस वाज द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है, आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन बताने हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर्स, कस्टमर्स के ऊपर जॉब सेटिस्फेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा और एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। तो हाई जॉब सेटिस्फेक्शन जो है इसका इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पर इंपैक्ट हाई होता है, यू जस्ट नीडेड टू एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए 100% स्कोरिंग, एंड यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कोर 100% इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये आपके स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करती है, जॉब सेटिस्फेक्शन का जो आउटकम होता है ये न्यूमरस स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करता है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को हमने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहा है, थर्ड चैप्टर में हमने इनको इंटरनल स्टेक होल्डर कहा था। खैर अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे, यहाँ पे हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन है, यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कैसे करती है, दैट इज आवर मेन कंसर्न, ठीक है ना। इस किताब में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एरर्स हैं, कंसेप्चुअल एरर्स भी हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स भी हैं। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल एरर कि आइडियली शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन आप इन्हें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स पे इम्पैक्ट क्या आता है, एम्प्लॉइज पे इम्पैक्ट क्या आएगा, एम्प्लॉइज विल फील हैप्पी, दे विल बी मोर मोटिवेटेड, बड़ी जेनेरिक बातें हैं। फिर आप जितनी जितना ज़्यादा आप जॉब पे सेटिस्फाइड होंगे उतनी आपकी पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, यू विल बी इंटरेक्टिंग इन अ पॉजिटिव वे, आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क बेहतर होगी, यू विल बी पुटिंग मोर एनर्जी इन योर वर्क, यू विल बी गिविंग मोर आउटपुट, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इदारे की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। टीम पे इसका फायदा क्या होगा, टीम के अंदर हार्मनी पैदा होगी, हार्मनी का मतलब होता है सारे टीम मेंबर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ विलिंगली मूव कर रहे हैं, इसे कहते हैं टीम हार्मनी। तो जब जॉब सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो टीम हार्मनी पैदा होगी, एक ग्रेटर हैप्पियर एनवायरमेंट में एम्प्लॉइज काम करेंगे, इट विल ऑल्सो मैनिफेस्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम, टीम की आइडेंटिटी बेहतर होगी, टीम रेप्यूटेशन बेहतर होगी, कल को भी आपकी मैनेजमेंट उसी टीम के साथ काम करेगी। और एट द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, प्रॉफिट्स बेहतर होंगे, इदारे की रेप्यूट बेहतर होगी, इदारा जो है दैट विल बी नोन एज अ हैप्पी प्लेस टू वर्क। बहुत सारे इदारे दुनिया में हैं जो कि टॉप 100 हैप्पी प्लेस टू वर्क कहलाते हैं। तो आपकी जब रेप्यूटेशन बेहतर होगी तो यू विल बी मोर मोटिवेटेड, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, अल्टीमेटली जब आपके इदारे की रिप्यूट बेहतर होगी तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स परचेज करेंगे आपसे प्रोडक्ट, इसी आप सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे, क्योंकि वो इदारे जो अपने एम्प्लॉइज को खुश रखते हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल वेल बींग। देखें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को खुश रखती है तो आप देखें इसका जो नॉक ऑन इफेक्ट है, हमने ये टर्म पढ़ी थी ना सेकंड चैप्टर में, नॉक ऑन इफेक्ट, अब वो एम्प्लॉई जब घर जाएगा तो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, बच्चों को वक्त देगा, अपनी फैमिली के साथ क्या उसे कहते हैं एक हैप्पी मूड में डील करेगा, तो इसका नॉक ऑन इफेक्ट जो है उसकी वेलबींग पे आ रहा है। जस्ट इमेजिन एक एम्प्लॉई जो है वो दफ्तर से ही गुस्से में खराब मूड से घर गया है तो उसका इम्पैक्ट उसके बच्चों पे भी आएगा, बच्चे भी स्पॉयल होंगे, अपने स्पाउस के साथ भी बदतमीजी करेगा, इसी तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इदारे की टू कीप देयर एम्प्लॉइज हैप्पी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस हद तक अपने एम्प्लॉइज को खुश रखते हैं, किस हद तक अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जब एम्प्लॉइज खुश होते हैं तो वो एम्प्लॉई जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वैल्यू चेन याद करें, ताकि वो सब जो लोग सप्लायर के साथ डीलिंग करते हैं, तो हाई जॉब सेटिस्फेक्शन
will allow them to share improved interaction with the external stakeholders. उनकी कस्टमर के साथ और सप्लायर के साथ इंटरेक्शन बेहतर हो जाएगी, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में जाएंगे रादर देन गोइंग इन अ कॉम्बैटिव रिलेशनशिप. कॉम्बैट कहते हैं लड़ने को, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ने को. तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो यू विल बी डेवलपिंग अ कोलैबोरेटिव रिलेशन रादर देन अ कॉम्बैटिव रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स एंड विद योर कस्टमर्स. ठीक, आप एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप के अंदर इंड्यूस हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ कंपेटिटिव रिलेशनशिप. तो ये भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है इसका. इसी तरह आपके कस्टमर्स हैं वो कहते हैं यार ये हमने पढ़ा था ना वैल्यू चेन में, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मीन्स ये वो एक्टिविटीज हैं जिसमें आप परचेजिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, जिसमें आप रॉ मटेरियल इदारे. तो बेसिकली सप्लायर्स के साथ जो एक्टिविटीज हैं वो सारी इनबाउंड में ही आती है ना. वैल्यू चेन मॉडल याद करें ना सेकेंड चैप्टर में, तो वी डिस्कस्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस एंड आउटबाउंड. एग्जैक्टली प्राइमरी वैल्यू चेन. तो नॉर्मली इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की जो एक्टिविटीज हैं दे डील विद सप्लायर्स, उसमें सप्लायर्स होते हैं ना क्योंकि उनसे आपने परचेज करनी होती है रॉ मटेरियल की और अदर थिंग्स की. तो यू आर फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब होता है जाहिर करना, फोर्जिंग का मतलब होता है इंड्यूस करना, पैदा करना. सो यू आर फोर्जिंग अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रादर देन अ कंपेटिटिव रिलेशनशिप. आप एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप पैदा कर रहे होते हैं रादर देन प्रोड्यूसिंग अ कॉम्बैटिव. कॉम्बैट का मतलब, कॉम्बैट कहते हैं फाइट को, लड़ने को. इसी तरह कस्टमर्स हैं, इम्प्रूव्ड इंटरेक्शन जो है एम्प्लॉयज की सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ, कस्टमर का भी बेनिफिट होगा. कस्टमर व्हेन डीलिंग विद मोर सेटिस्फाइड वर्क फोर्स, तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे. वो कहते हैं कि अ हैप्पी एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस अ हैप्पी कस्टमर. अगर एक एम्प्लॉय खुश है अपने वर्क प्लेस पे तो वो एक हैप्पी कस्टमर को प्रोड्यूस कर रहा है, कस्टमर भी खुश होगा. ठीक है, अ हैप्पी एम्प्लॉई इज इक्वल टू अ हैप्पी कस्टमर. तो इससे आपकी कस्टमर सर्विसेज बेहतर होंगी, आपकी लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगी. एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स से क्या मुराद है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी. विल लीड टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड कस्टमर विल देन रिपीट बाय से मुराद है कस्टमर दोबारा आएगा परचेज करने. अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड है तो कस्टमर फिर रिपीट बाय भी करेगा ना, दोबारा परचेज करेगा, कस्टमर विल कम बैक. और एट द ब्रॉडेस्ट लेवल शेयर होल्डर्स पे इसका इम्पैक्ट जाएगा, शेयर होल्डर्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होंगे. शेयर होल्डर्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी इदारे की, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स फॉर शेयर होल्डर बढ़ेंगे. जब शेयर होल्डर बढ़ेंगे मतलब उनके रिटर्न्स बढ़ेंगे तो दे विल इन रिटर्न दे विल अट्रैक्ट कंसिस्टेंट इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स. वो फिर आप में बार बार इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं. तो आप देखेंगे ये सारे नॉक ऑन इफेक्ट हैं. देखें जॉब सेटिस्फेक्शन किसकी है, एम्प्लॉई की है ना. सेटिस्फाई कौन हो रहा है, एम्प्लॉई हो रहा है. लेकिन एक एम्प्लॉई की सेटिस्फेक्शन से उसका नॉक ऑन इफेक्ट देखें कहाँ कहाँ तक जा रहा है. कस्टमर पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, सप्लायर पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके शेयर होल्डर्स तक उसका इम्पैक्ट जा रहा है. तो एक एम्प्लॉई के सेटिस्फाई होने से इसका जो नॉक ऑन इफेक्ट है वो बड़ा एंटेल्ड है, बड़ा बड़ा डिटेल्ड है, काफ़ी आगे तक जा रहा है. ठीक ओके. इसके बाद है हमारे पास वेज टू एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन. जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के तरीके क्या हैं, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. ये क्वेश्चन पेपर में आई गेस आ चुका है. एक मिनट, लेट्स लुक एट द पेपर. तो जॉब सेटिस्फेक्शन के सिक्स चैप्टर के हवाले से सिक्स चैप्टर के हवाले से एग्जामिनेशन में अभी तक अभी इस दफा एटीट्यूड के कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आया था और आउटकम ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन पे सवाल आया. इस दफा सिक्स चैप्टर में ये दो क्वेश्चन आए थे. हाँ, वेज टू एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, नॉट इवन टेस्टेड वंस, एक दफा भी टेस्ट नहीं हुआ. सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन एक दफा भी टेस्ट नहीं हुआ. स्टेजेस ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस अभी तक कभी भी टेस्ट नहीं हुआ. ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट परसेप्शन एक दफा टेस्ट हुआ है, सिर्फ एक दफा.
बहुत सारे टॉपिक देखें आप, अनटेस्टेड हैं किताब के, जॉब स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेज कभी टेस्ट नहीं हुए, ट्रिगर्स पे सवाल आ चुका है, सिम्टम पे आ चुका है, कोपिंग पे आ चुका है। ये जो चार्ट है ना आपके सामने, ये जो सफ़ा आपके सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सफ़ा जो है इसको आप बड़े मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज को आप यूज़ कर सकते हैं एक तो पास पेपर में क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, फिर इस पेज को आप यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन सा टॉपिक, जैसे ये देख लें नेचर ऑफ चेंज अभी तक अनटेस्टेड है, ये कभी नहीं आया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंज पे सवाल कभी नहीं आया, रिएक्शंस टू चेंज पे अभी तक सवाल कभी नहीं आया, एंट्रेंचमेंट, बी ग्रजिंग एक्सेप्टेंस, विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस, देख रहे हैं, स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट पे सवाल कभी नहीं आया, चेंज एजेंट के रोल पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, जेमिनी 4R मॉडल नहीं आया। ये जितने भी अनटेस्टेड टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपके पेपर में कम से कम 40% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्चर पे आ जाए, ये तीनों कल्चरल टाइप्स पे क्वेश्चन नहीं आया, फिर फैक्टर्स दैट शेप कल्चर पे सवाल नहीं आया, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर पे, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर पे क्वेश्चन आई गेस एक दफ़ा आया है शायद, ये नहीं आया, एक मिनट, इसके मुताबिक तो नहीं आया, बट आई विल सी, मेरा ख्याल है कि आया है, नहीं नहीं आया, एडगर स्काइन पे नहीं आया, ठीक नहीं आया। फिर इसके बाद आप देखें, ये अभी हमने 6 चैप्टर देख लिया काफ़ी ज़्यादा, तो ये जो आपका टेबल है ना, दिस टेबल इज़ अ वेरी यूजफुल सोर्स टू मेक यू रियलाइज कि किन किन टॉपिक्स पे एग्जामिनर ने अब फोकस करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़रा वसी हैं, ज़रा ब्राइटर हैं, ताकि इसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर करें, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को डेवलप करें और आप उसके मुताबिक चलें। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू पीपल प्रिपेयर, ठीक है। जैसे अभी मैंने आज बल्कि अपनी रेगुलर क्लास में मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस की, मैंने ये मार्च का सितंबर का पेपर पकड़ा और मैंने इस पूरे पेपर का एनालिसिस किया कि इस पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो पहले कभी नहीं आया, फॉर एग्जांपल सॉर्ट पे कभी सवाल नहीं आया पहले, एक दफ़ा छोटा सा क्वेश्चन आया था वो फर्टिलाइजर कंपनी का, ZFL जेनिक्स फर्टिलाइजर, याद है वो सवाल, जिसमें उसने सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पूछा हुआ था, लेकिन एज अ कॉम्प्रीहेंसिव सॉर्ट पे क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन चलें फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें 4 नंबर निकाल भी दें कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो पहले टेस्ट हो चुकी हैं किसी ना किसी पेपर में, किसी और सवाल में, स्टिल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पहले टेस्ट नहीं हुए, तो 4 नंबर ये हो गए, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया पहले। इसी तरह फिर ये जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, फॉर्मल इनफॉर्मल टीम्स का डिफरेंस, ये सवाल पहले कभी नहीं आया, 12 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद ये 11 मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया था, अडेयर एक्शन सेंटर्ड मॉडल, ये पढ़ेंगे जाके 8th चैप्टर में, इट्स अ मॉडल ऑफ लीडरशिप। तो 12 और 11 ये कितने हो गए जी, 23 मार्क्स हो गए। उसके बाद आगे चलें तो ये 2 नंबर, रेजिस्टेंस टू चेंज, कर्ट लेविन का मॉडल पहले आ चुका है लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं आया कभी पहले, तो 25 मार्क्स हो गए। और आगे चलें 25 मार्क्स के बाद ये 4 नंबर, इंफॉर्मेशन के रोल्स पहली दफ़ा आए हैं, 29 मार्क्स हो गए। और आगे चलें 29 मार्क्स ये हो गए। ओके, ऑपरेशन रिसर्च के 2 टूल्स थे, ये जो है ये है नेटवर्क एनालिसिस, ये पहले आ चुका है, ये है मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, ये पहले नहीं आया कभी, ये हो गए 32 मार्क्स। और आगे चलें आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सवाल कभी नहीं आया पहले, ये हो गए 36 मार्क्स। और आगे चलें सेल्फ एफिकेसी थ्योरी जो है इसके ये 4 एट्रीब्यूट्स कभी नहीं आए, डिफाइन करने को कहा गया था लास्ट टाइम एक दफ़ा किसी एक अटेम्प्ट में, लेकिन जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं ये पहले कभी नहीं आए, तो 5 में से अगर 1 मार्क माइनस भी कर दें तो फिर भी 4 मार्क्स कितने हो गए, 40 मार्क्स, 40 नंबर हो गए। यू सी दैट्स इट, 40 नंबर का पेपर जो है वो उन टॉपिक्स में से है जो सितंबर 2018 से पहले टेस्ट नहीं हुए थे। पेपर ऑफ वर्थ 40 मार्क्स, ये भी मैंने सिर्फ आपको एक पेपर बताया है,
आप मार्च के पेपर पे ये प्रैक्टिस करके देखें, आप सितंबर 17 पे प्रैक्टिस करके देखें, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आप किसी एक पेपर के ऊपर ये प्रैक्टिस कर लें पीछे कम से कम 3-4। हाँ, जो जो पीछे मूव करते जाएंगे परसेंटेज बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली। अब सितंबर 2014 का जो पहला पेपर था वो तो 100% अनटेस्टेड टॉपिक में से आया ना, क्योंकि बीएमबीएस का पहला पेपर था। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट अटेम्प्ट्स की, सितंबर 18 की, मार्च 18 की, सितंबर 17 की, मार्च 17 की, बस ये 4 अटेम्प्ट्स। अगर आप इन 4 अटेम्प्ट्स तक ये टेक्निक अप्लाई करें सो यू विल रियलाइज कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो 8 से पहले कभी टेस्ट नहीं हुए एग्जाम में। गॉट इट? देखिए, मैंने बारह आपको एक बात बताई है कि एक होता है लर्नर और एक होता है स्मार्ट लर्नर। डोंट जस्ट ट्राई टू बी अ लर्नर, ट्राई टू बी अ स्मार्ट लर्नर। सिर्फ लर्नर अगर रहेंगे ना तो वो हेल्प नहीं करेगी चीज आपको, अगर आप स्मार्ट लर्नर होंगे तो वो चीज बहुत हेल्प करेगी आपको। तो यू नीड टू बी अ स्मार्ट लर्नर, ठीक है? ओके, सॉरी, ये एक वो जो आपके साथ एनिमेटेड वीडियोस शेयर की जा रही हैं इसका एक फर्दर पार्ट अब आपके सामने प्ले होगा, ठीक है? ये एक्चुअली अब इस वक्त क्यों आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपकी ना थोड़ी सी मेमोरी एक्टिव रहे, ठीक है? सो जस्ट टू कीप योर मेमोरी एक्टिव यू आर बीइंग शोन दीज एलिमेंट्स, ठीक है? तो जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑनलाइन। ये भी आपके सामने जी बेटा फुल बुक की है एग्जैक्टली। बट ये LMS पे अपलोड नहीं हो सकती क्योंकि ये आईकैप साहब की इदारे की पॉलिसी है, बट स्टिल आई विल सी के इसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं ऑनलाइन के तलहा साहब, उनका क्या रिएक्शन है। हाँ, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है एग्जैक्टली। थोड़ा सा अपना ऑडियो विजुअल ज़रा सही करके देखें, थोड़ी अपने स्पीकर की वॉइस थोड़ी कम करके देखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। बट आप आई विल सी टू इट के ये अपलोड इसका क्या हो जाएगा या क्या नहीं होगा, तो लेट सी, ठीक है? बट स्टिल आई अदर ऑलवेज टोल्ड यू कि आपके पास जो आप माशाल्लाह सारे एडवांस हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, सारे सारे चीजें हैं आप लोग, तो आप इसको जैसे मर्जी टैकल करें, ठीक है? चलें, यू स्टे कनेक्टेड। बस ये जाहिद अभी वीडियो प्ले करेंगे आपके सामने।
In this video, we will discuss modern management theories of the following theorists: 1. Peter Drucker, 2. Rosalbert Moss Kanter, 3. Henry Mintzberg, 4. William Mauchy, 5. McGregor, and 6. Management Science Approach. In the Human Side of Enterprise 1960, Douglas McGregor suggested that there are two different approaches to managing and motivating people. McGregor called the two management approaches Theory X and Theory Y. Theory X approach is an authoritarian style where the manager instructs his employees and tells them what to do. The Theory X approach is based on the following views about people at work. 1. The average person dislikes and avoids work. 2. Individuals are forced to work towards organization's objectives with threats of punishment for not working properly. 3. Persons prefer to be directed, want to look to avoid responsibility, have no ambitions, and want security more than anything. Theory Y approach is a participative management style. The manager encourages his employees to participate in decision making. The Theory Y approach is based on the following views about people at work. 1. Putting effort into work is as natural as play. 2. Individuals will apply self-direction and self-control to work towards organization's objectives without the need for constant supervision or threats of punishment. 3. The strength of the individual's commitment to organization's objectives is related to the associated rewards. 4. Individuals usually accept and then take responsibility. 5. At work, intellectual potential of average person is partly utilized. Testing in ICAP exams, Spring 15, Mark 6, question number 3b. Douglas McGregor has presented two different approaches with Theory X and Theory Y about managing workers in organizational environments. State the salient features of Theory X and Theory Y, which must be kept in perspective by managers for achievement of optimal performance levels from workers. Answers suggested by ICAP. You can see that ICAP discusses in Theory X, workers dislike work and avoid it. Workers are threatened with punishment to achieve organizational objectives. Workers prefer to be directed, and workers lack ambition and want security more than anything else. In Theory Y, putting effort into work is as natural as play. Workers exercise, apply self-direction and self-control to work. Workers usually accept and then take responsibility. At work, intellectual potential of workers is partially utilized. McGregor suggested that a Theory Y approach is not always possible or advisable, as Theory Y is difficult to put into practice in a factory environment. There will be some situations when the manager must exercise his authority because it is the only way of getting results. Management Science Approach, Operations Research. Operations research is a type of decision-making and problem-solving methodology that uses analytical techniques to help ultimately make better decisions. In operation research, we will discuss the following techniques: 1. Network analysis, 2. Game theory, 3. Queuing theory, 4. Simulation, 5. Mathematical logic, 6. Mathematical optimization, 7. Mathematical modeling. 1. Network analysis. This involves identifying different components of the project, how long a component will take to complete, the earliest and latest start and finish times of each component, and order in which components can be completed. The key objective of network analysis is to identify the critical path that represents the shortest potential duration of the project. Network analysis can be used as a foundation for planning resources in a cost-effective manner and identifying where bottlenecks and slack exist. Testing in ICAP exams, Spring 16, Marks 4, question number 10b. Briefly describe the salient features of network analysis. Answers suggested by ICAP. You can see that ICAP discussed all the points that we presented, such as identifying different components of the project, how long component will take to complete,
earliest and latest start and finish times of each component, and order in which components can be completed. Number two, game theory. This involves mathematical models of conflict and cooperation to help make strategic decisions. There are two styles of game theory, namely, zero-sum game where one person's gain is another's loss. This is frequently used by military strategists. Many-person games, which is used to study the economic behavior and under which, for the greater good, it pays for the parties to cooperate. Number three, queuing theory. This describes using mathematical methods for analyzing and predicting delays and congestions of waiting and queuing. The objective is to identify ways to improve the process to make it quicker. For example, with traffic, so processing shipping orders, reducing average time per call, and improving flow through shops, factories, and hospitals. Number four, simulation. Simulation involves building a model that represents a real system, then conducting experiments on the model. It is now found everywhere, including computer systems, for example, database management and networks, manufacturing, example, material handling, government, for example, traffic control, businesses, for example, cash flow analysis. Number five, mathematical logic. It is integral to the most of the other techniques and used to reflect the relationships between various components, variables, and parameters within something that is being modeled. Number six, mathematical optimization. It is used to select the optimal solution from a set of available alternatives. Number seven, mathematical modeling. It is a way of describing a system using mathematical concepts and language. Defining a system using mathematical modeling allows the researcher to better understand the content and effect of different components and make predictions about behavior. Operations research in practice. In practice, operations research is used by management to either maximize something, for example, profit, yield, utilization, or performance. Minimize something, for example, loss, cost, or risk. Some other examples are critical path analysis for project planning, routing, for example, for transport or people, supply chain management, scheduling, and determining optimal prices.